किसने दिया सई को खून, क्यों हुआ रजत पर हमला, क्या आश देगा सई की जान बचाने के लिए अपना खून। स्टार प्लस की सीरियल गुम है किसी के प्यार में आपको देखने को मिलने वाला है काफी ही हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हाँ, क्योंकि इस गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर होने वाला है सीरियल में एक बड़ा धमाका, क्योंकि सीरियल में आने वाले हैं सभी और रजत की मदद करने के लिए माटी से बंधी डोर के मेन लीड राणा और बैजू, जिसके बाद आपको सीरियल में देखने को मिलने वाले हैं काफी ही सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स। बता दें कि सभी मनाने वाली है अपने दोनों परिवारों के साथ मिलकर गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल, जहां पर ठक्कर्स और भोसलेस दोनों ही परिवार महाराष्ट्रीयन गेटअप में नजर आएंगे। बता दें कि परिवार के सभी लोग काफी ही खुश होंगे और बड़े ही धूमधाम से नाचते गाते हुए बप्पा का स्वागत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसी बीच सभी की होने वाली है वैजू से मुलाकात, जहां पर दोनों ही एक दूसरे से बात कर रही होती हैं, लेकिन तभी भाग्यश्री सभी को बुला लेगी। ऐसे में सभी की टक्कर किसी अजनबी से होगी, जो कि कुछ गुंडों से अपनी जान बचाकर भाग रहा होगा। हालांकि पहले तो सभी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बता दें कि राणा और वैजू रोहन को ढूंढते हुए ही सभी और रजत के पास पहुंचेंगे, जहां पर रजत देने वाला है राणा का साथ और दोनों मिलकर बचाने वाले हैं रोहन को, जहां पर रजत और राणा मिलकर गुंडों का सामना करते हुए नजर आएंगे। इतना ही नहीं, गुंडों के बीच फंसे रजत और राणा पहले तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद दोनों ही पूरे मामले को संभाल लेंगे। जहां एक तरफ वैजू और राणा की ये दिक्कत खत्म होगी, तो वहीं इसी बीच सई का रोड पर काफी ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसके बाद रजत गुस्से में आकर कार वाले पर हाथ भी उठा देगा। एक्सीडेंट होने के बाद सई का काफी ही खून बह जाएगा, जिस कारण पूरा परिवार सई को हॉस्पिटल लेके चला जाएगा। बता दें कि सई की इस हालत को देखकर रजत भी पगला जाएगा और बस सई के लिए प्रार्थना करते हुए नजर आएगा। लेकिन सई का ज्यादा खून बह जाने की वजह से डॉक्टर उन्हें ओ नेगेटिव ब्लड का इंतजाम करने को कहेगी, जिसके बाद रजत को अर्श की कही बातें याद आ जाएंगी और वो सई को खून देने से साफ इनकार कर देगा, ताकि उसका ये कड़वा सच बाहर ना आ जाए। ऐसे में सभी रजत की इस हरकत को देखने के बाद एक बार फिर से हताश हो जाएगी, लेकिन तभी वहाँ वैजू भी पहुँच जाती और उसका ब्लड भी ओ नेगेटिव होता है, जिसके बाद वो सई को अपना खून देने का फैसला करेगी। लेकिन इसी बीच सई की इस हालत के बारे में सुनकर अर्श और आशिका भी वहाँ आ जाते हैं, जिसके बाद अर्श एक बार फिर से चलने वाला है अपनी चाल। जी हाँ, क्योंकि वो सई को ब्लड डोनेट करने की बात कहेगा, जहाँ वो सबको बताएगा कि उसका और सई का ब्लड ग्रुप बिल्कुल सेम है, जिसे सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाएंगे। लेकिन अब ऐसे में ये देखना तो काफी ही दिलचस्प होगा कि अर्श की कही ये बात रजत पर और कितना बुरा असर डालती है। क्या होगा सीरियल में नया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस सीरियल से जुड़ी सभी खबरों के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।